नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार 2014 चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में सभी की सभी यानी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्या इस बार भी बीजेपी उस इतिहास हुई है कि आखिरकार 2014 चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में सभी की सभी यानी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्या इस बार भी बीजेपी उस इतिहास को दोहराएगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब हैं। पहले मैं आपको स्वागत करता हूं। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुझे लगता है कि पूरे देश में अब एक ही मुद्दा रह गया है कि देश किसके हाथ में सलामत रहेगा। हु विल बी प्राइम मिनिस्टर, कि जिनके हाथ में ये देश सलामत है। क्योंकि आफ्टर पुलवामा और दो उरी और पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक, तो पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण, एक आत्मविश्वास, सेना का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है कि मोदी जी ही देश को सलामत रख सकते हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ ये महागठबंधन है। एनडीए ने तो घोषित कर दिया है कि फिर से अब की बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर है। अब इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर और कौन मोदी का मुकाबला करेगा, तो आज कोई नाम नहीं है और मोदी के बराबरी में भी नहीं है। देश की जनता को विश्वास भरोसा उन पर बैठे ऐसा भी नाम कोई नहीं है। तो मैं मानता हूं यही मुद्दा, और इस मुद्दा के कारण भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन विजय रूपानी साहब, बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया है, क्या आपको उम्मीद है कि जो 26 सीटें जो 2014 में आपने जीत दर्ज की थी, क्या इस बार भी जीतेंगे? उसका दो वजह है। एक तो 17 का चुनाव 22 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 5 साल दिया, हमको सीट कम आई हमारी, लेकिन सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत से बनी, यानी कि 27 साल तक का मैंडेट, ये भी एक बड़ी बात उसमें पड़ी हुई है। और दूसरा कि उसके बाद 19 तक जितने भी बाई इलेक्शन गुजरात में हुए, असेंबली, पंचायत, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, सभी चुनाव हम जीते हैं। और बेसिकली कांग्रेस के जो प्रभुत्व वाले एरिया उसमें भी हम जीते हैं, तो एक बड़ा चेंज है। और दूसरा, मोदी जी गुजरात का सपूत है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाना है, ये बात भी नीचे पड़ी हुई है। और लोग मोदी जी को वोट देने के लिए, कमल को वोट देने के लिए, यहां के प्रत्याशी को चुनकर भेजने के लिए भी उत्सुक है। तो ये दो बात इसमें उसका वजह है। अच्छा विजय रूपानी जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो है न्याय स्कीम लॉन्च की है, जिसमें जो है जो समाज के सबसे पिछड़े जो 20% लोग हैं उनको 72,000 रुपए सालाना देने की जो बात कही है, खाते में डालने के लिए बात की है। मैं पहले तो ये सब वोट लेने के लिए, वोट को आकर्षित करने के लिए ये सिर्फ वादा है, ये बात सब जानते हैं। नंबर दो कि उन्होंने बताया कि 72,000 रुपया हम गरीबों के खाते में डालेंगे। गरीबों को बैंक में कांग्रेस के शासन में घुसने ही नहीं देते थे। गरीबों को उस वक्त यूपीए के शासन में खाता खोलाना के लिए वो बैंक में जाते थे, तो पहले कहते थे डिपॉजिट मुको, फिर आपको खाता खोलवा देंगे। गरीबों के लिए बैंक कोई नहीं थी कांग्रेस के शासन में। ये तो मोदी जी का प्रताप है कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही उन्होंने जनधन योजना और बैंक वालों को गरीबों के घर में भेजा और जीरो बैलेंस पर बैंक का खाता खुलवाया। दूसरा, आप 55 साल तक सत्ता में थे और 5 साल के पहले 10 साल सत्ता में थे, तब गरीबों की याद क्यों नहीं आई?
अब चुनाव आया है, अब किसी भी तरह से आपको वोट चाहिए। कांग्रेस हताश है, निराश है, उसको पता चल गया है कि वो जीत नहीं रहे, इसलिए कोई भी वादा करने के लिए उनको तकलीफ नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी वादा कर दो, वोट ले लो, ये बात सिर्फ टकी हुई। दूसरा, हमने गरीबों के लिए सब कुछ किया है। नरेंद्र भाई ने जो अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं, जनधन, उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय योजना, ये सब गरीबों के लिए योजना। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी जो है जुमला पार्टी है, केवल जुमला देती है, नारा देती है, कोई काम नहीं। ये सब तो हुआ ना, करोड़ों शौचालय बने, लाखों लोगों को आवास दिया, आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई, आज 25 लाख से ज्यादा फैमिली को 5-5 लाख रुपया उनको योजना से मिल भी गया। 5 लाख, वो 72,000 की बात कर रहे हैं, हमने 5 लाख आयुष्मान भारत में दिया। गुजरात में हमने माँ अमृतम और वात्सल्य योजना में कई सालों से 3-3 लाख रुपया गरीबों को आरोग्य सुरक्षा के लिए हम दे रहे हैं। ये सब दिया है, हम वादा नहीं करते, हमने किया है, कांग्रेस सिर्फ वादा करती है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, गरीबी हटाएंगे के साथ साथ जो है राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है, क्या कहेंगे आप? उसके बाद भी बहुत सारा किया है उन्होंने कि कश्मीर में से 372 की कलम नहीं निकलेगी, कोई भी सेना के अफसर पर सीधा काम होगा, केस चलाएंगे हम, कोई भी आतंकवादी ऊपर राजद्रोह का केस नहीं चलाएंगे, ये सब भी किया है। सिर्फ वोट लेने के लिए इतनी नीची कांग्रेस गिरी है कि देश हित को बाजू में रखते हुए किसी भी तरह से वोट ले लो, आतंकवादियों के नाम पर वोट भी मिलता है तो ले लो। केरल में पोस्टर छपवाए थे आतंकियों के और कांग्रेस को वोट दो, ये सब किया है। यानी कि कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए काम करती है, हम देश के लिए काम करते हैं। अच्छा रूपाणी साहब, कांग्रेस का आरोप यह है कि जिसने बीजेपी को खड़ा किया उसको आपने हाशिए पर डाल दिया। उन्होंने जिक्र किया लालकृष्ण आडवाणी का कि आपने गांधीनगर सीट उनको नहीं दी, और जिस तरीके से जो तरीका अपनाया गया वो सही नहीं था, क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस कह रही है, आडवाणी जी नहीं कह रहे। वो कांग्रेस क्यों, कोई मुद्दा ही नहीं इसलिए ऐसा मुद्दा उछाल रहे। आदरणीय आडवाणी जी बरसों तक उन्होंने नेतृत्व किया, आज आडवाणी जी 91 के बन गए, एक हमारे बुजुर्ग नेता है। तो अब जैसे शरद पवार ने भी लोकसभा लड़ने नहीं लड़ूंगा ऐसी घोषणा की, इसका मतलब थोड़ा है कि हास्य में दखल दिया। ये सब कांग्रेस एक निम्न कक्षा की पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें कोई वजूद नहीं है। विजय रूपाणी साहब, जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी जो है सेना का राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरह से जानबूझकर नेशनलिज्म के जो उठा रही है वो तरीका सही नहीं है, क्या कहेंगे आप? अगर उरी का बनाव नहीं होता, पुलवामा का बनाव नहीं होता, तो पिछले कई सालों से हम राजनीति कर रहे, कभी हमने मुद्दा उठाया? हमने मुद्दा इसलिए उठाया है कि देश की अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व, ये सबसे पहला मुद्दा है। और जिस तरीके से यूपीए के 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली, अनेक आतंकी हमले हुए हमारे पर, मुंबई आईएस 3 दिन तक चला और 178 लोग की जान गई, तभी कांग्रेस ने क्या किया? एक आतंकी के खिलाफ एक्शन लिया, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लिया? ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने जब पुलवामा के शहीदों का मृतदेह जब दिल्ली में आए तभी कह दिया कि आप सबके दिल में जो आक्रोश है वही आक्रोश मेरे हृदय में है, एक एक को चुन चुन कर उनके घर पे जाकर मैं मारूंगा और आतंकियों को खत्म करेंगे, उनको भारी पड़ेगा। और ये उन्होंने वचन निभाया, हमारे जवानों ने शौर्य पराक्रम करते हुए उरी के बाद और पुलवामा के बाद 2 एयर स्ट्राइक और 2 सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के खिलाफ सभी कड़क कदम उठाए। जेकेएलए को हमने प्रतिबंधित किया, हुर्रियत के साथ बातचीत बंद कर दी, उनके पर कड़े कदम उठाए, पाकिस्तान को आर्थिक हमने सब तोड़ दिया संबंध, ये सब हम कर रहे हैं और हिम्मत के साथ कर रहे हैं।
तो ये बात प्रजा के सामने चुनाव के वक्त हम क्यों नहीं रखे कि भाई एक तरफ पाकिस्तान और आतंकियों को जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, और आपको जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने सब बातें डाली है तो आतंकियों को मदद करनी है, आपको पाकिस्तान को कुछ कहना नहीं है, और शाम पित्रोला और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं, उसको अगर कुछ करना है तो उनको वोट दीजिए, तो हम क्यों ना कहें इस बात को। अच्छा विजय रूपानी साहब, विपक्ष का आरोप है कि 2014 का जो नारा था विकास वो 2019 में गायब है। गायब नहीं है, अलग अलग मुद्दे हैं, उसमें से एक मुद्दा राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, दूसरा मुद्दा विकास में भी हम चैलेंज करते हैं कि हमने 5 साल में ये किया, आपने 55 साल तक ये नहीं किया था, वो सब नरेंद्र भाई कहते हैं, और हम सारी बातें बता सकते हैं कि हमने जो विकास किया है वो कह सकते हैं, हमने गरीबों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, वनवासियों के लिए क्या किया, सब कह सकते हैं और कहते भी हैं। लेकिन आज पहले राष्ट्र देश महान है, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, ये बात जो आज चल रही है तो ये बात स्वाभाविक हावी बनकर बनी हुई है। क्यों इस तरह से क्यों विपक्ष कहना है कि जो आप विकास की बात जो है बैक रखे हुए हैं, पीछे कर दिया है और राष्ट्रवाद को आगे कर दिया? राष्ट्रवाद के बारे में विपक्ष बोल नहीं सकता, इसलिए बात कर रहा है। विपक्ष भी जवाब देने कि हमने देश के लिए ये किया, क्या किया आपने? आपने आतंकियों को हजरत बाल में आपने तो बिरयानी खिलाई है, आप क्या करते? आपने बॉम्बे हमले के बाद क्या किया बताओ देश को? कुछ नहीं किया। अच्छा विजय रूपानी साहब, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले एक साल से राफेल का मुद्दा को लगातार वे उठा रहे हैं, वे कहते हैं कि चौकीदार जो है चोर है, और जिस तरह से बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, क्या आपको लगता है कि जो 2014 में जो चाय वाला था, क्या इस बार भी मैं भी चौकीदार वही कैंपेन पकड़ेगा? देखिए नरेंद्र भाई ऐसा व्यक्तित्व है, ईमानदार, देशभक्त, मेहनतू, कांग्रेस जितना भी उस पर पत्थर फेंकती है उसको वो इकट्ठा करते हुए, सीढ़ी बनाते हुए वो ऊपर ऊपर जाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। भारत की जनता में कोई नहीं मानता है कि ये राफेल की बात सच है। लोग ऐसा कहते हैं चोर लोग चौकीदार को गाली देने के लिए निकले, चोर मचाए शोर, और हमारे लीडर तो कहते हैं चोर नहीं श्योर है प्योर है, और ये चुनाव का फैसला पता चल जाएगा कौन चोर है कौन श्योर है कौन प्योर है। अच्छा विजय रूपानी साहब, मैं भी चौकीदार का नारा लगता है कि चाय वाले के नारा जो आपने दिया था 2014 में वही नहीं, एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस जिस तरीके से बात करती है उसका जवाब है। उस वक्त भी मणिशंकर अय्यर ने बताया था कि क्या चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो ये मुद्दा उठ गया, सभी चाय वाले निकल पड़े, हम चाय बेचते हम देश नहीं बेचते हैं, आप लोगों ने देश को बेचा है, हम सिर्फ चाय बेच रहे हैं। आज ये वही हो रहा है, चोर लोग बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, सब चौकीदार निकल पड़े कि मैं भी चौकीदार हूं, इस देश की सेवा करने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये उन पर रिवर्स सब एक्शन हो रहा है। अच्छा हार्दिक पटेल ने कहा है कि उन्हें इजाजत चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला है, लेकिन मोदी सरकार की जो कमियां हैं वो घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, क्या आपको लगता है? डेमोक्रेसी है, सबको परमिशन है, वोट करे उसको जो जी में आए। कितना असर पड़ेगा? चुनाव लड़ता तो ठीक होता, ये एक बात खत्म हो जाती, उनकी मुट्ठी भी खुल जाती। आज सब लोग जान गए हैं कि समाज के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग कांग्रेस का एजेंट बनते हुए उनका डिजाइन में काम कर रहे थे, कांग्रेस के पैसे से काम कर रहे थे, और आखिर में उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, सिर्फ समाज का ही काम करूंगा,
तो भाई कांग्रेस में क्यों चले गए, जवाब दो लोगों को, लोग जानते हैं। और आज पूरा पाटीदार समाज भी उनके खिलाफ है। अच्छा, जिस तरह से 2017 में जिग्नेश, हार्दिक और अल्पेश की तिकड़ी थी, इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना असरदार होगा आपके? खत्म हो गया, क्योंकि तीनों एक्सपोज हो गए कांग्रेस के साथ। अब पूरी गुजरात की जनता अफसोस व्यक्त कर रही है, उनके समाज के लोग अफसोस व्यक्त कर रहा है कि ये तीनों ने हमको, हमारे साथ छेतरपिंडी की है, गद्दारी की है। तो समाज के नाम पर लोगों को, लोगों की भावनाओं को उनके साथ छेड़छाड़ की है, ऐसा सब मान रहे हैं। अच्छा, बात करें गुजरात की, गुजरात की 26 सीटों में से आपको क्या लगता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति है कि कुछ सीटों पर मजबूती के साथ लड़ा जाए, आप क्या उम्मीद करते हैं कि 26 सीटों पर जो चुनाव है उसमें बीजेपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? आपने बताया कि कांग्रेस की रणनीति है कि 26 में से कुछ सीटों पर जोर से लड़ा जाए, इसका मतलब कि बाकी सीटों तो उन्होंने छोड़ दी हमारे लिए, वहां उसका कुछ नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस तो मान रही है कि 26 में से 2-4 सीटें उनको मिलेगी, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि गुजरात की जनता नरेंद्र भाई के साथ है, नरेंद्र भाई हमारे गुजरात के सपूत है, और फिर से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करे, इसके लिए गुजरात की जनता विक्रमजनक लीड से गुजरात के हमारे प्रत्याशियों को जिताएंगे, 26 से 26 सीट जीतेंगे हम। अच्छा, 2014 की बात करें रूपानी साहब, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव यहां से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या आप असर देखते हैं इसका? नरेंद्र भाई बरसों तक गुजरात की सेवा की मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात के साथ सीधा संबंध है उसका, तो लोग हम नरेंद्र भाई को अपना ही समझते हैं, और अब तो अमित भाई भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुजरात तो खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, विजय रूपानी साहब, राम मंदिर का मुद्दा एक बीजेपी के लिए अहम मुद्दा बराबर रहा है, लेकिन इस बार पीछे दिख रहा है क्या? नहीं, पीछे दिख रहे ना कोई बात नहीं, हमारा कमिटमेंट है और सुप्रीम कोर्ट में सब चल रहा है, जरूर हमें अपने क्या कमिटमेंट है कि राम मंदिर आने वाले दिन में हम मनाएंगे, लेकिन ये लीगल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है कोर्ट ही आदेश करेगा, और उसको हमें श्रद्धा है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में राम मंदिर भी बनेगा, बीजेपी ही बनाएगी। देशभक्ति के गाने गाते थे, एक देशभक्ति गाना सुनाएंगे? नहीं नहीं, वो तो जहां जहां सभी पहले हम लोग देशभक्ति यानी कि राष्ट्रभक्ति हमारी पंच निष्ठा में से एक निष्ठा है, और हम लोग करते थे, तो स्वाभाविक है कि सब लोग साथ में मिलकर जब भी ये सब कार्यक्रम होता है तब होता है, तो हमारे रगे रगे में कुछ इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए विजय रूपानी साहब बड़े थैंक यू। अच्छा, एक साल आपने इमरजेंसी में जेल काटी है, सोचा था कि आप सीएम बनेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं एक कार्यकर्ता के नाते बरसों तक मैंने संगठन में काम किया है, और संगठन में काम करते करते मैं बूथ से लेकर आगे तक बढ़ा हूं, कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेवारी जब दी वो मैंने संभाली है, और आज उस तरीके से पार्टी ने सौंपी हुई जिम्मेवारी, हमारे यहाँ पद नहीं बोलते जिम्मेवारी बोलते हैं, हम जिम्मेवारी संभाल रहे हैं।